हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? होप करती हूँ अच्छे ही हो। मैं भी गुड हूँ। आज का जो व्लॉग है, मैं एक बताना चाह रही थी कि मैं कहीं जा रही थी। मैं कहाँ जा रही थी? तो जो मैं जा रही हूँ, वो जा रही हूँ मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड हम एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये सारी पैकिंग इधर हो चुकी है, कुछ सामान उधर रखा है। वहाँ ठंड है तो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि स्वेटर और शॉल वगैरह वो जो है लेकर आना। तो ये सब भी अब ढूंढना पड़ा, सब कुछ संभाल दिया, सब कुछ ढूंढना पड़ा, बहुत टाइम लगा इस सब में। और ये हमारा अर्जेंट मतलब एकदम से प्लान बना कि हम जा रहे हैं। पहले हमारा कोई नहीं था कि हम जाएंगे, कल दिन से ही हुआ कि जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करी थोड़ा शॉपिंग, सामान वामान ढूंढना और कुछ लाना था तो वो सब लेकर आना। तो मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ, मैं क्यों ना आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूँ और अपनी जर्नी जो है आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं और आपको दिखाऊं कि कैसा है उत्तराखंड, क्या है वहाँ के पहाड़, वहाँ की ठंड, वहाँ की शुद्ध वायु, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के लोग, वो सब मैं आपसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। वहाँ की शादी किस तरीके से होती है वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आगे मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अभी जो है 7:30 हो रहे हैं, डे फ्राइडे है, तो अभी हम निकलेंगे। और अभी मेरा किचन में भी काम काफ़ी पड़ा हुआ है। किचन में भी मुझे ये कुछ वॉश हैं बर्तन, इनको लगाना है, कुछ धोने हैं, और मुझे हाँ डिनर जो है वो भी प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद जो है डिनर करके हम आई थिंक 10 बजे वाली ट्रेन से नहीं जा रहे, बस से जा रहे हैं। वो वहाँ पर हमारे जो पहाड़ों पे है पूरा प्रॉपर ट्रेन का कोई नहीं है कि ट्रेन जा सकती है पहाड़ों पे। तो हमें यहाँ से हल्द्वानी या रामनगर जो है बाय ट्रेन जा सकते हैं, पर हमारा एकदम अर्जेंट प्लान बना तो हमारी टिकट भी कन्फर्म नहीं हो पाई है, इसलिए जो हमें बस से जा रहे हैं। उसके बाद हम सोचा तो यही था कि यार ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन का सफ़र अपना ही ठीक ठाक सा होता है और अपना आराम से थोड़ा सो वो के जाते, बट अब बस में थोड़ा सफ़र तो करना पड़ेगा, पर जाएंगे तो बस से ही। उसके बाद जो है वहाँ से आगे बस या फिर छोटी गाड़ियाँ जो भी जाती हैं वहाँ की, उसमें हम आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है हम निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे जाते हैं। और यहाँ से हम जो है हमारे घर से आनंद विहार तक जो है डायरेक्ट मेट्रो है, तो हम मेट्रो से जाएंगे या फिर देखो ऑटो करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि अपने कन्वेंस से तो जा नहीं सकते, वो कहाँ छोड़ के जाएंगे इस वजह से। तो अभी जो है मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ। डिनर में जो है मैं आज सूखे आलू फ्राई जिसे बोलते हैं वो, और आलू फ्राई के साथ जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी रोटी और कर्ड। तो आज यही हमारा डिनर रहेगा। वहाँ थोड़ा लाइटिंग इश्यू हो रही है और थोड़ा फेस भी मेरा आज डल डल सा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे प्रिपरेशन में मैं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई हूँ। बस मैंने जो वो होम रेमेडी थी ना मेरी ब्लैक हार्ट DIY की, वो देखिए वो मैंने करी है। तो मेरी नोज़ देखिए कितनी शाइन कर रही है, तो यार वो बहुत इफेक्टेड है, आप लोग उसे ट्राई करो यार, बहुत सही है वो। तो अब पैकिंग तो मेरी पूरी हो चुकी है, बस अब मुझे डिनर बनाना है। तो मैं डिनर बनाने चलती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। चलो फिर, ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और कंटिन्यू रहूँगी मैं, अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप ये बस समझना कि ब्लॉग ख़त्म हो गया है। तो आपसे तब तक कंटिन्यू मिलती हूँ, अभी फिलहाल मैं डिनर प्रिपेयर कर लूँ। फाइनली गाइस, जो हम रेडी हो चुके हैं, मैंने ये येल्लो कुर्ते के साथ ये ब्लैक ट्राउज़र पहना है, इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। बाकी सारी पैकिंग भी हो गए हैं। टाइम हुआ है 9:30 का, हमें 12 घंटे लगेंगे अपने जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अभी हम यहाँ अपने घर से बाय मेट्रो आनंद विहार जाएंगे, उसके बाद हम आगे आनंद हल्द्वानी की बस लेंगे। उसके बाद देखो हमें क्या कन्वेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। हस्बैंड जी जो है वो लॉक लगा रहे हैं तो अब हम निकलते हैं। बाकी मैं बहुत देखती हूँ आपको और कुछ दिखा सकूँ तो एक बार निकलते हैं, ओके, और मेट्रो में मिलते हैं अभी थोड़ा सा। फाइनली जो है मेट्रो में हम बैठ चुके हैं, अब आनंद विहार तक चलते हैं। बाकी फिर मैं आपको आनंद विहार टर्मिनल बस अड्डे का नज़ारा दिखाती हूँ, कितनी भीड़ है या नहीं है, और हमें किस तरीके से बस मिलती है वो सब दिखाती हूँ। वो बस मिल जाए अच्छे से।